क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी सुपर पावर होती जिससे आप गायब हो पाते तो आपकी लाइफ कैसी होती? बट इट्स नॉट अ राइट क्वेश्चन ब्रो। क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारी बॉडी इनविजिबल हो सकती है? आइए इसे दो तरीके से समझते हैं, विज्ञान और ध्यान से। फर्स्ट साइंस। साइंस के अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल है। देखो, साइंस लॉजिक के हिसाब से सोचता है, तो इसके हिसाब से समझे तो पहले ये समझना होगा कि चीज़ें दिखाई कैसे देती हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों के रेटिना तक पहुंचती है तो वो चीज़ वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है। तो हमारे बॉडी पर कुछ ऐसा प्लांट कर दिया जाए जिससे लाइट रिफ्लेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट के बॉडी के आर पार चली जाए, तो इससे ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, चाहे वो बॉडी पर हो, जो भी मैकेनिकल चीज़ें यूज होंगे, चाहे वो किसी पर भी हो, वो चीज़ गायब हो जाएगी। लेकिन इतना करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो देखें जिस वीडियो में बताया गया कि कैसे एक इंसान गायब हो सकता है, और वो वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप अभी भी जा करके देख सकते हैं या फिर वीडियो के बाद में देखना। और जो उन चैनल के ओनर हैं वो भाई मेरे फेवरेट टीचर हैं, शायद आप इससे कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ध्यान से हम गायब हो सकते हैं या नहीं, अगर हाँ तो कैसे। सबसे पहले आपको ये मान के चलना होगा कि आप जो कर रहे हो उस चीज़ की होने की संभावना का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो है ही कुछ अजीब सा। आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आपका इस पर विश्वास होना ज़रूरी है। मैं आपको जितना भी स्टेप बताऊँगा वो आपको करना है, और ये स्टेप बाय स्टेप एक कोर्स टाइप का है। फर्स्ट स्टेप, आपको त्राटक मेडिटेशन करना है। इसमें आपको एक मोमबत्ती लेकर के अंधेरे कमरे में चले जाना है और वहाँ पर बैठ करके एक मीटर की दूरी बना लेना है उस मोमबत्ती से, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। तो अब आपको उस पर फोकस करना है, और ये करने से आपकी जो फोकस की क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके आसपास रहने वाले लोगों की फोकस क्षमता भी उतनी नहीं होगी जितना कि आपकी होगी। अब सेकेंड स्टेप, जब आप फोकस करना सीख जाएं तो आप इसे मेडिटेशन करते टाइम यूज़ करें अपने चक्रास मीन्स कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के लिए। इसे एक्टिवेट करना आपके लिए आसान होगा क्योंकि आपने पहले स्टेप को फॉलो किया है। विदाउट फर्स्ट स्टेप यू कांट डू दिस। आप जब चक्रास एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे और उसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप ऑलमोस्ट इसे कंप्लीट कर चुके होंगे। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप जब चक्रास एक्टिवेट कर पाएंगे, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ, हम चक्रास को इतना आसानी से कर नहीं सकते, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है आपके लिए, बट आप उन लोगों से काफ़ी आसानी तरीके से कर पाएंगे जो फोकस नहीं किए हैं, त्राटक। तो इस बेस पे अगर जो देखा जाए तो कुंडलिनी काफ़ी ज़्यादा डेंजर भी होती है, तो आपको समझना होगा पहले कुंडलिनी के बारे में ठीक से जानकारी। तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला, उसके लिए इंटरनेट है ना, आप जाकर के देख लीजिए। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर। जब आप कुंडलिनी की शक्ति को कंट्रोल करना सीख जाएं, जब उसे एक्टिवेट कर पाएं, तब आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। उसे आप वास्तविक में कर पाएंगे जिसे आप सोच सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप जिसे वास्तविकता में देखना चाहते हैं, आप ये सोचना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं कि आपकी बॉडी गायब हो जाए, तो सिंपल आपको ये कल्पना करना होगा कि एक स्थान पर, आप चाहे जिस स्थान की भी बात कर लें, वहाँ पर आप अपने आप को गायब होता हुआ देख पा रहे हैं, और उसका असर आपके दिमाग पे होगा। जब आप सच में अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट कर पाएंगे तो ये सभी चीज़ें आप पहले ही समझ जाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, एक गायब होने की प्रक्रिया में होगा क्या। तो ये जो विजुअलाइजेशन का स्टेप है, आप इसे करने से पहले ही चीज़ें समझ जाएंगे। बट अगर जो हम स्टेप की माने तो तीसरा स्टेप होगा विजुअलाइजेशन, जिसमें आपको समझना होगा, ये सीखना होगा कि आप कल्पना से कैसे वास्तविकता को बनाते हैं। उसमें आप जब कल्पना कर रहे हैं, आप जब विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर असली फीलिंग आनी चाहिए। जैसे आप अगर जो विजुलाइज ये कर रहे हैं कि आप 10 मंजिला की बिल्डिंग के एज पर हैं और वहाँ से नीचे देख रहे हैं, तो इस टाइम जब आप सोचेंगे तो डर नहीं लगेगा, बट जब आप विजुलाइज करेंगे, यही फ़र्क होता है सोचने और विजुलाइज करने में, मीन्स कल्पना में और विजुलाइज करने में। विजुलाइजेशन में इंसान अपनी पूरी हर एक इंद्रियों को एक्टिवेट कर देता है, जिससे असली में फील आती हैं चीज़ें, चाहे वो डर हो या फिर गुस्सा, कुछ भी भावनात्मक स्केल पे।
तो आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेप त्राटक, और त्राटक करने से आपका फोकस बढ़ेगा। सेकेंड है कुंडलिनियों को एक्टिवेट करना। ये होगा कैसे? मेडिटेशन से। मेडिटेशन करते टाइम आपका फोकस होना ज़्यादा जरूरी है। जब आप पहले से फोकस पर महारत हासिल कर पाएंगे त्राटक से, तो आप इसे भी आसानी से कर पाएंगे। अगर जो आप पहला ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो दूसरा होना आपके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। तो मैं सेम बात को बार बार रिपीट नहीं कहना चाहता, बस आपको त्राटक करना है, मेडिटेशन, फिर मेडिटेशन में आपको ये विजुलाइज करना है अपने कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के प्रोसेस को, और देन लास्ट में विजुलाइज करना है अपने आप को गायब करने के प्रोसेस को। आप गायब हो जाएंगे अगर सच में आप इस पर विश्वास करते हैं तो। वैसे भी ये चीज़ आपके विश्वास पर ही डिपेंड करती है। सो व्हाट नेक्स्ट।